91.2 एनआईवीएच हेलो दून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हेमा। दोस्तों, दून नगरी, देहरादून या फिर द्रोण नगरी, कहीं ना कहीं इन शब्दों का आपस में तालमेल है। बिल्कुल है, क्योंकि पांडव काल में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की शिक्षा और शस्त्र शिक्षा के लिए दून की धरती को चुना। तब से जल रही शिक्षा की ये अखंड लौ आज भी दैदिप्यमान है, बल्कि यूं भी कह सकते हैं वक्त के साथ और भी सशक्त हुई है। और आज देश दुनिया में द्रोण नगरी या देहरादून एजुकेशन हब के रूप में आकाश में सूर्य के समान चमक रहा है। तो क्यों ना आज की कहानी गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य, जिसका अंगूठा गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में मांग लिया था, सुनी जाए। क्योंकि अंगूठा कटने से एकलव्य भी दिव्यांग की श्रेणी में तो आ गए थे। तो एकलव्य ने अपनी दिव्यांगता को दिव्यता में कैसे बदला, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यही जानेंगे हमारा कार्यक्रम अंगों में दिव्यता की खोज दिव्यांग। इसके लिए निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी हमारे स्टूडियो 91.2 NIVH हेलो दून में आ चुके हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो द्रोण नगरी से देहरादून बनने की यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। जरूर। देहरादून या वो दून जहाँ के आचार्य द्रोण ने अपना डेरा डाला जी, इसलिए देहरादून या डेरा द्रोण या देहरादून बन गया, अपभ्रंश होकर। कहानी कुछ इस तरह की है जी। बात कुछ ऐसी है कि ऋषि भरद्वाज जी सर, जब शिक्षित दीक्षित हुए, ब्रह्मचर्य खत्म हुआ और गृहस्थ की तरफ जाने को तैयार हुए, तो उनके गुरुवर ने ये कहा कि तुम्हारी तैयारी हो चुकी, अब तुम अपना गोत्र शुरू कर सकते हो। गोत्र शुरू कर सकते हो यानी ऐसी एक महिला की तलाश करो जो कि उस योग्य हो कि एक उत्तम संतान पैदा हो सके, जिससे कि आगे की पीढ़ी तैयार हो। मैं अच्छी बीज की अपनी कीमत होती है ना, देहरादून बासमती बीज जी जी रखते हैं लोग और जगह जगह लगाते हैं, क्योंकि वो अच्छी बीज है। तो अच्छी अगर खाद्यान्नों में भी अच्छी बीज की कीमत है, पशुओं में अच्छी बीज की कीमत है, तो इंसानों में तो और ज्यादा, क्योंकि सबसे ऊंची कृति है। तो ऋषि भरद्वाज ने गुरु से आज्ञा ली और इसी गंगा के तट पर यज्ञ में तैयार हुए, अपनी तैयारी की, है ना। जैसे हम सब जानते हैं 16 संस्कार होते हैं, जातकरण संस्कार होता है जिसमें कि पुरुष को और महिला को तैयारी अपनी रखनी होती है। तो वो ऋषि भारद्वाज अपनी तैयारी रख रहे थे और एक दिन गंगा के तट पर जब वो टहल रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि घृताची नाम की एक अप्सरा, वो भी भ्रमण कर रही थी। उन्होंने अप्सरा को देखकर ये जान लिया कि हाँ, ये महिला सशक्त है, एम्पावर्ड है जी, एक अच्छे संतान को जन्म देने का। तो दोनों ने एक पत्ते के दोना, एक पत्ता का दोना तैयार किया और जिसमें अपनी शक्तियां डाली। एचयू बेबी है ना, IVF होता ना आजकल, तो असंभव कुछ नहीं है। पत्ते के दोने में अपने दोने में अपनी शक्तियां डाली, जहां से कि आचार्य द्रोण जन्म लिए। तभी उनका नाम द्रोण पड़ा सर, दोना से उत्पन्न हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टेस्ट ट्यूब बेबी थे उस समय के भी, और ये तो तरीके से लिखित है। तो आचार्य द्रोण की खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि वो परशुराम के शिष्य थे और आचार्य द्रोण गंगा के तट हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए देहरादून, हरिद्वार से देहरादून कितने किलोमीटर पर? 60 किलोमीटर पास पास ही है। तो वहां से पहुंच गए देहरादून और वहां उन्होंने अपना डेरा जमाया और एक गुफा के अंदर रह के तपस्या करनी शुरू की। आचार्य कृपाचार्य, आचार्य कृप, उन्होंने अपनी बहन का ब्याह, कृपी का ब्याह कर दिया आचार्य द्रोण से। दोनों गुफा में रहने लगे और कृपी को एक पुत्र हुआ, नाम रखा अश्वत्थामा। लेकिन कृपी को दूध नहीं हो रहा था और बच्चा भूखा भी लग रहा था। तो आचार्य द्रोण ने महादेव की तपस्या की, कहा तपकेश्वर मंदिर के अंदर।
प्रणाम तक वहां शिवलिंग था, तो तपस्या की उन्होंने और कुछ समय बाद शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे टप 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 पानी टपकने लगा और इधर कृपी को भी दूध हुआ। तो चूंकि पानी टपकना शुरू किया था शिवलिंग के ऊपर, जो कि आज भी है, आप देख सकते हैं टपकेश्वर मंदिर, वहीं अश्वत्थामा जहां जन्म लिए थे वहां गुफा भी है जिसके अंदर अश्वत्थामा ने जन्म लिया, तो वहां आचार्य द्रोण रहने लगे। तो टपकेश्वर मंदिर है जहां की आचार्य द्रोण ने अपना डेरा डाला, देहरा द्रोण नाम कहलाया, कालखंड में देहरादून हो गया। ये कहानी कुछ आगे इस तरह से बढ़ती है कि परशुराम जो कि अपना शरीर छोड़ रहे थे और सब कुछ दान कर रहे थे, आचार्य द्रोण उनके पास शिष्यत्व के लिए गए, और परशुराम तो ऐसे थे जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, तो जो परशु है उन्होंने जो कि उन्हें शिवजी से मिला था वो उन्होंने आचार्य द्रोण को दे दिया। आचार्य द्रोण वापिस आ रहे थे और उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा जो कि 6-7 साल का हुआ होगा वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था और दोस्त एक गिलास में दूध पी रहे थे और अरे बड़ा मीठा दूध बड़ी अच्छी गाय बोल रहे थे। अश्वत्थामा बोल रहा था मुझे भी दूध दो। तो दोस्त शरारती थे, चावल का चूरा बनाया जा रहा था, उस चूरे को लेकर पानी में मिलाकर उन्होंने अश्वत्थामा को दिया और बोला कि पी ले, ये देसी गाय का दूध है, बढ़िया। अश्वत्थामा पिया, बड़ा खुश हुआ और घर दौड़ता हुआ, उसके पीछे पीछे द्रोण आए, माँ को बताया कि मुझे भी आज मीठा दूध पीने का मौका मिला है और मैंने भी दूध पिया। आचार्य द्रोण को बड़ा बुरा लगा, तो उनको याद आया कि उनका एक मित्र हुआ द्रुपद, दोनों एक ही गुरु के यहाँ पढ़े थे तो गुरु भाई हुए। द्रुपद जाते जाते क्षत्रिय था, द्रुपद जाते जाते ये बोल, पंचाल नरेश का बेटा था, द्रुपद जाते जाते ये बोल गया था कि कभी भी जरूरत पड़े मेरे पास आना, मैं मना ना करूंगा। तो वो द्रुपद के पास वहीं से गए सीधा सीधा, और द्रुपद के पास जब गए तो सभा में बैठा था द्रुपद सबके साथ, तो पास गए और बोले कि द्रुपद मैं द्रोण और मुझे गाय चाहिए कुछ। तो द्रुपद उनको ना पहचानते हुए व्यंग किया और बोला कि रे दरिद्र ब्राह्मण, दोस्ती हमेशा बराबर वालों के साथ होती है, तू कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता जी। बड़ा बेइज्जत कर निकाला था उन्हें, तो बड़ा दुखी वापिस आ रहे थे। तो जब वापिस आ रहे थे तो रस्ते में वो देखी कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और बड़ा शोर मचा रखा था, एक कुएं अंदर देख रहे थे सारे के सारे बच्चे ही। तो आचार्य द्रोण ने बोला क्या हुआ, अपने बेटे की याद आई होगी। तो बच्चे बोले कि अरे हमारा गेम चला गया कुएं के अंदर, कैसे लाए, सैनिक भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, लेकिन राजपुत्र रहे होंगे, सैनिक खड़े थे। तो अंदर देखा तो आचार्य द्रोण ने बच्चों, अपने अपना भी बेटा था, बेटे के दुख से दुखी होकर जा रहे थे, तो उन्होंने मंत्रित किया और ये सरकंडे पड़े हुए थे, मंत्रित किया और कुएं के अंदर यूं मंत्रित करके फेंकना शुरू किया। 10-20 सरकंडे फेंके होंगे और उन्हीं सरकंडों से खींच लाए, गेंद बाहर आ गई, दिया और वापिस चले आए। आग की तरह एक खबर फैल गई, जो खेल रहे थे वो कौरव और पांडव थे। तो धृतराष्ट्र जी के पास ये खबर गई और उन्होंने बोला कि यही ब्राह्मण होगा गुरु हमारे बच्चों का। बच्चे भी बड़े खुश हुए कि यही होंगे आचार्य। तो कृपाचार्य को बोला गया तो कृपाचार्य बोले कि अच्छा वो द्रोण ही होंगे, और कौन हो सकता है ना। तब से आचार्य द्रोण बन गए इनके गुरु जी। और कहानी हम जानते हैं कि अर्जुन की एक निष्ठता को देखकर, उनका लगाव देखकर, सबसे प्रिय शिष्य था वो। तो एक बार क्या हुआ, सिखाते सिखाते वो उड़ीसा पहुंच गए और उड़ीसा कैंपिंग होता है ना, फिर पहले भी होता हुआ होगा पहले, तो वहां सिखा रहे थे शस्त्र विद्या। तो एक सबर, एकलव्य नाम था जिसका, वो आया तो मुझे भी शिष्य बना। सबर यानी कि जो कि जंगल में रहते हैं, अच्छा। जो कि जंगल के फल फूल शिकार करते हैं, खाते हैं, रहते हैं, तो सबर बोलते हैं उसको। तो उस जाति का था, तो आचार्य द्रोण का था, मुझे भी सिखाए आप। तो आचार्य द्रोण ने कहा लेकिन मैं तो वचनबद्ध हूँ, नमक खाता हूँ राजवंशियों का, और मुझे दायित्व दिया गया है ये 105 शिष्यों का, मैं दूसरा शिष्य ले नहीं सकता। तो एकलव्य ने क्या किया कि जहां उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था, कैंपिंग किया हुआ था, उससे थोड़ी दूर जंगल साफ किया और सुनकर देखकर हल्का नकल कर सीखता रहता।
आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई हुई थी उन्होंने। तो एक दिन क्या ब्रेक का समय था और अखेट पे निकले सारे, शिकार पे निकले सारे। तो शिकार में जाहिर सी बात है घोड़े भी चलते हैं, कुत्ते भी चलते हैं साथ में। तो पांडव और कौरव जब शिकार के लिए एक तरफ जा रहे थे तो एक कुत्ता उनका भागता हुआ आया जिसके मुंह के अंदर 7 तीर घुसे हुए थे लेकिन एक बूंद खून निकल रहा था। तो उसे देख के अर्जुन ने कहा कि अरे आचार्य द्रोण, ऐसी क्षमता तो सिर्फ आचार्य द्रोण को हो सकती है, दूसरा किसी को हो नहीं सकता, अभेद्य बिल्कुल भी। मुंह में 7 तीर घुसे हुए हैं, एक बूंद खून ना निकल रहा है, कुत्ता का मुंह बिल्कुल बंद है और कुत्ता भौंक ना पा रहा है। तो सारे घोड़े लेकर आचार्य द्रोण के साथ चल दिए। बिल्कुल पास ही एकलव्य को देखा, एकलव्य दंडवत आचार्य द्रोण के पास, आंखों में आंसू और दिखाया कि हाँ ये रहा आपकी मूर्ति और यहां से मैं देखता हुआ आपको सीख गया हूं। तो आचार्य द्रोण ने एक नजर उसको देखा और एकलव्य ने बोला अब गुरुदक्षिणा में कुछ मांग ले। आचार्य द्रोण ने जो बाण थे कुत्ते में वो एकलव्य ने डाले हुए थे उसको चुप कराने के लिए। बिल्कुल 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 एकलव्य, हाँ बिल्कुल, वो पूछते हैं कि भाई क्यों मारा इसको ऐसे। तो एकलव्य ने मैंने मारा कहाँ, ये तो शोर कर रहा था, मैं जब अपनी अभ्यास कर रहा था ये शोर कर रहा था और परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसे सिर्फ चुप कराया, ये प्राण तो मान तो यूं निकल जाएंगे। तो आचार्य ने सीखा किससे तू? तो एकलव्य ने बोला आप। आचार्य द्रोण ने बोला कि मैं कैसे? तो एकलव्य ने बोला देखिए यहां से मैं रास्ता साफ किया हूँ, यहाँ से देखता हूँ थोड़ी बहुत, मूर्ति से प्रेरणा ले रहे थे, मूर्ति से प्रेरणा रखता था और दूर देखता था कि कैसे हो क्या क्या चल रहा अच्छा, है। वहाँ देखता भी था, देखता भी था अच्छा। दोनों से सिर्फ दोनों से देखता था, सामने सामने में वर्चुअल लर्निंग चलता था। तो भाई वो एकलव्य बोला कि अच्छा अब तो मैं सीखा हूँ आपसे, आप गुरु हैं, आप मिले ना मिले दक्षिणा मांग ले मुझसे, गुरु दक्षिणा। तो आचार्य द्रोण ने बोला कि अंगूठा दे मुझे। तो बिना कुछ सोचे एकलव्य अंगूठा दे जाता है। और ये थी कहानी एकलव्य की, भले ही उसने अंग खो दिया लेकिन दिव्यता को प्राप्त कर लिया। कैसे मैं बताता हूं आपको, इस कहानी के कई पहलू हैं समझने लायक। पहला पहलू तो ये है कि जो भी हम सीखते हैं, भारत में ये मान्यता है कि अगर आप सीखते हैं कोई भी चीज तो आप सीखते हैं इसलिए है ताकि आप उस चीज को जान सकें जो कि सीखने योग्य हो और जिसे सीखने के बाद कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं हो जी। नहीं तो अगर आप कोई एक कार्य कुशलता सीखते हैं तो वो एक कुशलता के अलावा कुछ नहीं है। हमारा हर शिक्षा हमें हमारी मुक्ति की तरफ के लिए ही है, बोलते ना सा विद्या विमुक्तये, वही विद्या है जो कि विमुक्त कर दे। तो शस्त्र विद्या अपने में सिर्फ एक माध्यम है मुक्ति का, इसलिए आप देखते नहीं है कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, जब वो बोलता है कि नहीं, 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 मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं भग जाऊंगा तो कृष्ण उसको क्या क्या नहीं बोल जाते ना, पुंसक बोल देते हैं, मूर्ख बोल देते हैं, सब बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भया, मतलब कि तुमने इस चीज का तुम्हें जो चीज धारण किया हुआ है, एक क्षत्रिय का ढंग रंग होता है कि वो युद्ध कौशल में मुक्ति पा जाए, एक ब्राह्मण का ढंग रंग होता है कि वो ज्ञान में मुक्ति पा जाए, एक वैश्य का रंग ढंग होता है कि वो व्यापार में मुक्ति पा जाए, और एक शूद्र का रंग ढंग होता है कि वो सेवा में मुक्ति पा जाए। डॉक्टर, गांधी, मदर टेरेसा, ये सारे सेवा में मुक्ति पाने वाले लोग हैं। अपभ्रंश हो गया, खराब हो गया मायने अपने में और बात है, पर मतलब यही हुआ करता था इसका। तो एक योद्धा हमेशा अपनी जीवन को दांव पे लगा के मुक्ति पाता है और वही उसका धर्म, या वही उसे धर्म, यानी हिंदू मुसलमान नहीं, वही उसे धारण किया, तभी वो शहीद या वीरगति प्राप्त, एग्जैक्टली वीरगति इसलिए प्राप्त करते हैं हंसते हंसते। वही एक ब्राह्मण क्या करता है, ज्ञान के लिए सब कुछ दांव पे लगाता है। आचार्य चाणक्य तो देख लें आप, ज्ञान के लिए सब कुछ दांव पे लगा दें, किसी भी आप गुरु को देखें, अपना तो कुछ था ही नहीं, शादी वादी की थी उन्होंने, नहीं कुछ नहीं किया था उन्होंने, कुछ नहीं किया था उन्होंने, जितने भी गुरु हुए सारे के सारे क्या सिर्फ ज्ञान की अग्नि में सब कुछ डाल जाते हैं। तो ये ढंग रंग हुआ करता था हर किसी का, पन्ना धाई अपने बच्चे को दांव पे लगा दी क्या करने के लिए, क्योंकि बस सेवा उसका वो वही धारण किया हुआ था उसे।
तो हमारे में कहने का मेरा मतलब ये कि जो हम सीखते हैं हमारे हमारे ढंग रंग के हमारे होने के ढंग से, वो हमें मुक्ति तक अगर ना ले जाए तो किसी काम का नहीं है। तो एकलव्य पहला मतलब तो ये होता है कि एकलव्य जब अपना अंगूठा काट देता है तो अपनी पूरी शिक्षा को दांव पे लगा देता है ना, इसी अंगूठे के ऊपर। इंसान की जो उन्नति हो गई या विकास जो हो गया, हमारे पूर्वज कौन, चिंपांजी, बंदर, हमारी जो उपलब्धि थी वो तो यही थी ना कि हमारा अंगूठा हमारे खिलाफ चारों उंगली के होता तो हम पकड़ पाते हैं चीजों को, बंदर वही नहीं कर पाता। अंगूठा मांग ले रहे हैं वो, इसका मतलब युद्ध क्षमता जो उसने सीखा था वो सारा का सारा दांव पे लग गया। लेकिन गुरु है, सीखने योग्य तो वही है जो कि मुक्त कर दे, मुक्त हो, विमुक्त हो गया होगा वो, उठ गया होगा, जो कि अर्जुन होते होते जो कि कृष्ण करवा रहे हैं उसे, कृष्ण जैसे एक आदमी को खड़ा होना पड़ रहा है मुक्त करने के लिए, कृष्ण जैसे प्रतिभा को, और यहाँ द्रोण जैसे के सामने एकलव्य मुक्त हो गया बिना एक शब्द पूछे। तो एक मायने तो ये हुआ। दूसरा मायना ये हो सकता है कि एकलव्य के पास क्षमताएं तो बहुत आ गई, अर्जुन से ज्यादा क्षमताएं आ गई, लेकिन संस्कारित नहीं था। मतलब मैं बताता हूँ, एटम बम हमारे पास आ गया, क्या आपको अफसोस होता है कि एटम बम उस समय अमेरिका के पास आ गया था और वो पटक गया जापान के पास, अफसोस होता है क्या? हाँ, बिल्कुल अफसोस होता है ना, संस्कारित नहीं था, शक्ति का दुरुपयोग, आवेश में आके यहां मार देना वहां मार देना, ठीक से संस्कारित होना बड़ा जरूरी है। तो संस्कारित एकलव्य नहीं था। संभावनाएं शायद आचार्य द्रोण ये देख रहे होंगे कि इस शक्ति का अगर दुरुपयोग हो तो नाश हो जाए। दूसरा उदाहरण मैं आचार्य द्रोण के बेटे से ही आपको दे देता हूं, संस्कारित होना क्या होता है। सब कुछ सिखाने के बाद भी अश्वत्थामा संस्कारित नहीं था। उधर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र, इधर अश्वत्थामा ने अपना, युद्ध खत्म हो चुका था, ये हार चुके थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कुछ लोग बच गए थे, नाराजगी बहुत थी, रात घुसकर पांडवों के पांचों बेटों को मार गए थे, दूसरे दिन सुबह पता चला कि ये पांडव नहीं है, बहुत गुस्से में था अश्वत्थामा और ब्रह्मास्त्र निकाल गया और चला गया। इधर उसे रोकने के लिए अर्जुन भी चला गया, कृष्ण ने कहा इससे पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, वापिस बुलाओ। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लाया, अश्वत्थामा नहीं कर पाया, वो सीख नहीं पाया था वापस लाना, नहीं सीख नहीं पाया था वो जी, है ना, सीख नहीं पाया था। इसलिए कृष्ण ने क्या बोला कि मैं तुम्हें अमर होने का श्राप देता हूं और इसी युद्ध के घावों के साथ और साथ ही साथ तुम्हारी जो मणि है वो भी निकाल लेता हूं मैं। तो समझ रहे हैं आप, जिंदगी भर का घाव लेकर जीना, अमर होना कितना जटिल हुआ, वो तो दंड दिया कृष्ण ने, दिया कि नहीं दिया। तो संस्कारित होना बड़ा जरूरी है, शक्ति हो जाना ही सब कुछ नहीं है। तो दूसरा अर्थ ये हो सकता है इसका, तो एकलव्य भले ही अपनी अंगूठा देकर युद्ध कौशल दांव पे लगाया गया पर वो गुरु को जीत गया और गुरु कृपा जीत गया, जो कि मायने रखता है, बाकी सबकी कोई बहुत ज्यादा महत्ता नहीं है।